एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। अगर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले पहचानना होगा आपको, जो भी एग्ज़ाम में सेंटेंस आएगा तो उस सेंटेंस में हैज़ लगा होगा या तो हैव लगा होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो हैज़ बीन लगाएंगे या तो हैव बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंसेस समझते हैं, जैसे एग्जांपल में है आई हैव रिटन द लेटर। तो अब द लेटर जो है ये काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में, द लेटर। अब इसके साथ में हैज़ लगेगा क्योंकि ये एक वचन हैज़ के साथ में क्या लगेगा? बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो हैज़ बीन हो जाएगा। रिटन जो है थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। फिर जो है बाई लग जाएगा और आई जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले एग्जांपल में समझते हैं, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। तो यहाँ पे द वॉच जो है ये ऑब्जेक्ट में है, इसको जब चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, द वॉच हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक की बात हो रही है, एक वचन है सिंगुलर है या नहीं, तो इसके साथ में हैज़ लगेगा और नॉट है तो नॉट रहेगा, उसके बाद में बीन लग जाएगा क्योंकि इसमें हैज़ बीन लगना होता है। के बाद जो है वर्ब आएगी, तो वर्ब का रूल है यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। इसके बाद में बाय लगा करके यू का जो है यू ही चेंज रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हैज़ ही किल्ड द स्नेक। तो यहाँ पर जो स्नेक है यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जैसा कि इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस भी इंटरोगेटिव बनेगा, तो इसको हम लेंगे सब्जेक्ट के रूप में लेकिन इंटरोगेटिव है तो एक वचन है इसलिए इसके साथ में भी हैज़ लगेगा। इसके बाद में बीन लगाना था हमको हैज़ बीन, तो सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है रूल है। इसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर किल्ड था तो किल्ड हो जाएगा। इसके बाद बाय लगा करके ही को चेंज कर देंगे हिम में, तो